राधे राधे, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और घर के सभी बड़े बुजुर्गों को आपकी इस बेटी का राधे राधे प्रणाम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तुला राशि का वार्षिक राशिफल 2023 कैसा जाने वाला है तुला राशि वालों के लिए। जैसा कि अब तक मैंने आपको बताया था, कुछ विशेष जानकारी के साथ कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगी कि क्या कुछ उपाय करके आप अपने साल को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। अगर जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी आपको जरूर बताऊंगी, कहाँ पे आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है और क्या कुछ खास लेकर आ रहा है ये 2023 तुला राशि वालों के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं तो अप्रैल के बाद का जो ईयर रहेगा वो आपके लिए थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। पेट से संबंधी अगर आपकी कोई परेशानी चल रही है तो उसमें लापरवाही मत कीजिए। आंखों के संबंधी, पेट से संबंधी या फिर आपको नसों से, हड्डियों से संबंधी किसी तरह की कोई अगर परेशानी आपको चल रही है तो उसमें आपको संभल के चलने की आवश्यकता है। थोड़ी बहुत परेशानी है तो वो आगे चलकर बढ़ सकती है अगर आप लापरवाही करते हैं तो यही सलाह दी जाएगी कि अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। अपने स्वास्थ्य को लेकर आप डॉक्टर से जो ट्रीटमेंट कराया है उसे आप ट्रीटमेंट कराते रहें ताकि आपको जो बीमारी है आगे जाके आपको दिक्कत ना दे या बढ़े ना, ये आपको सलाह दी जाती है। व्यापार के लिए ये जो समय रहेगा जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो समय रहेगा वह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। उसमें आपको आमदनी काफी अच्छी होगी, पर अप्रैल के बाद जो समय रहेगा वह आपके खर्चों में काफी बढ़ोतरी कर सकता है। हो सकता है कुछ अनावांछित खर्चे भी हो सकते हैं, घूमने फिरने की आपको जो शौक होते हैं वह बढ़ सकते हैं, उसमें आपके खर्चे काफी हो सकती है जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ये कह सकते हैं आमदनी के मुताबिक खर्चे आपके अधिक होंगे जिससे आपके आमदनी का जब जो आपने अभी तक सेविंग कर रखी थी उसमें भी आपके लॉस हो सकता है। और अगर आप कोई नई डील करने की सोच रहे हैं तो वो आपको यही सलाह दी जाती है जून से पहले या फिर अक्टूबर के बाद आप कोई नई डील करें व्यापार को लेकर। अगर आप किसी को उधार देते हैं तो वो भी सोच समझ के करें, किसी बड़े की सलाह लेकर करें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और साथ ही साथ परिवार की बात करें तो परिवार में आपका जो अगर पति पत्नी वैवाहिक है आप तो पति पत्नी के लिए ये साल मिला जुला रहेगा, उतार चढ़ाव आते रहेंगे आपकी लाइफ में। आपको थोड़ा बहुत अगर आपके हस्बैंड आपसे नाराज हैं या आपकी पत्नी आपसे नाराज हैं तो थोड़ा बहुत उनसे डिस्टेंस बना के रखिए, किसी बात से उलझिए नहीं तो छोटी सी बात काफी बड़ी हो सकती है जिससे आपके पारिवारिक वातावरण पर काफी असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग की। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये साल जो सा रहेगा काफी उत्तम रहेगा। अप्रैल तक का महीना तो अप्रैल तक का जो समय रहेगा वह आपके लिए काफी सर्वोत्तम सिद्ध हो सकता है। उसके बाद थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर अक्टूबर के बाद जो आपको समय आएगा विद्यार्थियों के लिए, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। पर आपको यही सलाह दी जाती है थोड़ा आपको कड़ी मेहनत करने का समय है, कड़ी मेहनत आपको जो फल दे के जाएगी वो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कुल मिलाकर जो से ये साल रहेगा आपको 100 में से 70% कह सकती हूँ बेस्ट रहेगा, 30% आपके लिए थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। इसीलिए ये आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और आपको अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए या आपको अपने वीनस को अच्छा बनाने के लिए ताकि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो और आपकी जो लग्जरी लाइफ है वह बेहतरीन रहे, आपकी जो वैवाहिक जीवन है वह भी बेहतरीन रहे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को कुछ मीठा देना चाहिए, साथ ही साथ अपने आप ज्यादा से ज्यादा अगर गुलाब का इत्र इस्तेमाल करते हैं वह आपके लिए काफी उत्तम सिद्ध हो सकते हैं। ये छोटे से दो उपाय हैं जो आप कर सकते हैं और पूरा साल आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए काफी सिद्ध होंगे। इसी के साथ आज्ञा लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात करूंगी। राधे राधे।